नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पूरा मामला जनपद कानपुर देहात तहसील भोगनीपुर क्षेत्र कस्बा पुखराया स्थित सरस्वती बाल मंदिर इंटर कॉलेज नगर पालिका मोड़ पुखराया का है, जहां पुखराया की रहने वाली छात्रा को विद्यालय के प्रिंसिपल लगातार फीस को लेकर कई महीनों से हरासमेंट करते चले आ रहे थे। पीड़ित छात्रा द्वारा फीस को लेकर कई बार अपने पिता से कहने पर पिता ने प्रिंसिपल से फीस बहुत ही जल्द देने को बोलते हुए बेटी को एग्जाम को लेकर विद्यालय में बनवाई जा रही फाइलें कंप्लीट करने को बोला, लेकिन विद्यालय के क्रूर प्रिंसिपल द्वारा बेटी के सामने ही पीड़िता पर आग बबूला होते हुए धमकी देते हुए कहा कि तुम्हारी बेटी को मैं एग्जाम में फेल कर दूंगा। यह सुनते ही पीड़ित छात्रा की हालत अचानक खराब हो गई, जिसको देखते हुए विद्यालय में अन्य छात्र छात्राएं भयभीत हो गए। वहीं पीड़ित पिता ने आनन फानन में बेटी को पुखराया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया, लेकिन हालत में कोई खास सुधार न होने पाने के कारण बेटी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। एक तरफ सूबे के मुखिया बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को लेकर लगातार जोर देते हुए नजर आ रहे हैं तथा बेटी की शिक्षा को लेकर लगातार कई स्कीम लागू किए हुए हैं, इसके बावजूद भी अधिकारियों की उदासीनता के चलते ऐसे बिना मापदंडों के जनपद में कई ऐसे इंटरमीडिएट विद्यालय लगातार संचालित हैं, जो ऐसे एक काम का साधन बनाकर विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों तथा उनके माता पिता को लगातार हरासमेंट कर मोटी रकम वसूलने में लगे हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस घटना को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री के नुमाइंदे जिले के जिम्मेदार अधिकारी इस सरस्वती बाल मंदिर विद्यालय के प्रिंसिपल के ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं, क्या पीड़ित छात्राओं को न्याय मिल पाएगा या ऐसे ही न्याय के लिए भटकते रहेंगे। क्या नाम है भैया आपका? विनय कुमार जी। अच्छा, आप अस्पताल आए हुए, क्या मामला है? मेरी बच्ची को स्कूल में हेरेसमेंट किया गया था फीस को लेकर, जो कि किसी कारणवश हमारे घर में इमरजेंसी थी, मैं फीस नहीं जमा कर पाया था। और हम ही नहीं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके घर में इमरजेंसियाँ पड़ी, तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि सर आप फीस कुछ समय बाद ले लीजिए, हमें एग्ज़ाम देने दीजिए और फाइल हमारी कंप्लीट होने दीजिए। तो चार दिन से बच्चों को हमारे ये स्कूल के गेट के अंदर तो एंट्री देते हैं, लेकिन फाइल लिखने के लिए इनको अलाउटमेंट नहीं है। इवन जिन बच्चों की फाइलें कंप्लीट हो चुकी हैं उनको भी उन्होंने मना कर रखा है कि आप ये इन लोगों को फाइल नहीं देंगे, क्योंकि इनकी फीस नहीं जमा है। और इनको बोलते हैं कि मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ कि तिवारी जी, आप अगर पास होकर दिखा दें तो बताइए। किस विद्यालय में पढ़ती है ये? सरस्वती बाल मंदिर इंटर कॉलेज। मतलब प्रैक्टिकल एक्टिकल कुछ चल रहा है क्या? प्रैक्टिकल चल रहे हैं, वाइवा 18 तारीख को वाइवा है, 3 दिन से कॉपी लिखवाई जा रही है जो एग्जाम बोर्ड में भेजी जानी है, जिसकी वजह से बच्चे वो फाइल कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद पूरे साल की फीस ली जा रही है। सर आप अस्पताल क्यों आए हुए? अस्पताल इस वजह से आए कि मेरी बच्ची की कंडीशन खराब हो गई थी और उसको इमरजेंसी एडमिट करना पड़ा था।